हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल माया ब्यूटी एंड ब्लॉग। सो आज का जो वीडियो है वो अनबॉक्सिंग है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने अमेजोन से दो प्रोडक्ट ऑर्डर किया है और दोनों ही स्विस ब्यूटी का है। एक जो है वो लिप पैलेट है जिसमें कि आपको 10 कलर मिल जाते हैं, और जो दूसरा मैंने ऑर्डर किया था वो प्रो ब्लश एंड हाइलाइटर था जिसमें कि आपको 6 ब्लश और 2 हाइलाइटर मिल जाता है। और ये मुझे बबल रैप में आया था और इसकी पैकेजिंग बहुत सही थी। अमेजोन में इनका रिव्यू देखा था तो सब बोल रहे थे कि उन्हें डैमेज प्रोडक्ट मिला है, बट मुझे जो प्रोडक्ट मिला वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं है और बहुत अच्छे कंडीशन में है और बहुत ही सही लग रहा है। और ये जो है ये 02 शेड नंबर है जो मैंने ऑर्डर किया है, और इसके कलर बहुत ही ज़्यादा सही है। तो मुझे दोनों प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे कंडीशन में मिला। तो अभी मैंने आपको जो फर्स्ट हाइलाइटर था वो यूज़ करके मैं दिखा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लुक दे रहा है और वो इतना अच्छा लग रहा है ना, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने कोई एक्स्ट्रा हाइलाइटर यूज़ किया है। वो एकदम नेचुरल ग्लो लग रहा है। तो आप इसको डेली बेस में एकदम आराम से यूज़ कर सकते हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने हाइलाइटर लगाया हुआ है, क्योंकि वो इतना नेचुरल लुक दे रहा है। मुझे तो ये हाइलाइटर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आप इसको डेली बेस में यूज़ कर सकते हो। तो मैं अभी आपको बाकी के जो ब्लश है उसकी स्वेचेस दिखा देती हूँ। और हाँ, इनके पिगमेंटेड बहुत ही ज़्यादा है, तो इसलिए जब भी आप इसको यूज़ करें तो कम क्वांटिटी में लेके ही इसको यूज़ कीजिए। तो आप बाकी इनके स्वेचेस देख लीजिए। अब मैं आपको दूसरा कलर वाला हाइलाइटर यूज़ करके दिखाती हूँ, और आप जैसे कि देख सकते हो, वाओ कितना सही लग रहा है एकदम से, मतलब उसको लगाते ही कितना अच्छा ज़्यादा ग्लो दिख रहा है वो। तो मुझे ये पैलेट बहुत ही ज़्यादा सही लगा, क्योंकि इसमें सारे कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छे, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है। इसमें दोनों हाइलाइटर बहुत अच्छा है, एक डेली बेस में आप यूज़ कर सकते हो और दूसरा आप किसी फंक्शन ये सब में यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो कितना सही ग्लो दे रहा है ये। तो ये ब्लश जो है बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है। ये मैंने अमेजोन से 270 में लिया था और इसमें आपको बहुत ही सही कलर मिल जाएंगे। तो अगर आप हाइलाइटर लेना चाहते हो और ब्लश लेना चाहते हो तो आप इसको आराम से ऑर्डर कर सकते हो। अब मैं आपको ये लिप पैलेट यूज़ करके दिखाती हूँ, और मैं ये सारे कलर जो है अभी अप्लाई करने वाली हूँ अपने लिप्स में। तो आप बस वीडियो देखते रहिए। और हाँ, ये जो मैंने लिप पैलेट लिया है इसका शेड नंबर 02 है। आपको वैसे ये 4 शेड में मिल जाएंगे, जो कि है 01, 02, 03, 04। तो जो 01 है वो 02 कलर के ही थोड़े लाइट कलर है, तो इसलिए मैंने 02 ऑर्डर किया, क्योंकि मुझे डार्क कलर थोड़े पसंद है। तो अगर आप ये लिप पैलेट मतलब ख़रीदना चाहते हो तो आप शेड नंबर उसमें ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सही बोल तो मैंने अभी जो भी कलर यूज़ किया ना, मुझे सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। और ये जो लिपस्टिक है ना, ये एकदम मैट है, ये मतलब लगता नहीं है कहीं पर भी, और ये बहुत ही ज़्यादा सही लगता है जब आप लगाते हो। और ये जो लिप पैलेट है ये आई थिंक मैंने
250 से 270 के बीच में ही परचेज़ किया था। ये जो दोनों प्रोडक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है और बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, तो आप इसको इजीली परचेस कर सकते हो। और हाँ, ये वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में आपको एक नोटिफिकेशन बेल मिलेगा, आप उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगर आप उसको प्रेस करोगे तो मेरे अपकमिंग जितने भी वीडियोज़ है वो आप देख पाओगे, इसलिए आपको नोटिफिकेशन ऊपर आ जाएगा। तो चलिए, आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। And take care.